Today's topic is other parts of a computer. Besides the above mentioned parts, a computer has some other useful parts. These parts are known as computer peripherals. कुछ कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स हैं जो आप बाहर से अटैच करते हैं, जस्ट लाइक प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर. ये सारे पार्ट्स पेरिफेरल्स कहलाते हैं और ऑल्सो नोन एज अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. तो आज हम लोग कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बारे में जानेंगे. इसके अंतर्गत जो फर्स्ट डिवाइस है हमारा, प्रिंटर, इट इज वेरी यूजफुल डिवाइस. With the help of a printer, we take printouts of letters and pictures on paper. Printer की मदद से हम लोग letters को, picture को print करते हैं paper पे, printer के द्वारा. जैसा कि printed आपका computer books है और other books. The printout can be colored or in black and white. हमारा जो printout है, color भी हम printout कर सकते हैं और black and white भी print कर सकते हैं. Printer is dot matrix, inkjet और laser printer. तीन प्रकार के printer होते हैं, dot matrix printer, inkjet printer और laser printer. Next, पेरिफेरल डिवाइस इज स्पीकर्स. स्पीकर्स आर यूज फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉइस, साउंड ऑन ए कंप्यूटर. जैसा कि आप जानते हैं, स्पीकर का यूज म्यूजिक सुनने में, वॉइस जो रिकॉर्डेड है, साउंड सुनने में यूज होता है. ये एक आउटपुट डिवाइस भी है. नेक्स्ट डिवाइस इज माइक्रोफोन. ए माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इन द कंप्यूटर. माइक्रोफोन की मदद से आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर में. जैसा कि इस लेक्चर के माध्यम से आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है. विथ द हेल्प ऑफ ए माइक्रोफोन वी कैन ऑल्सो टॉक टू पीपल. आप माइक्रोफोन की मदद से बातचीत कर सकते हैं पीपल से, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन. नेक्स्ट डिवाइस इज वेब कैमरा. ए वेब कैम इज अ वीडियो कैप्चर डिवाइस. इट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क. इट टेक्स पिक्चर्स एंड स्टोर देम इन द कंप्यूटर. द वेब कैमरा इज ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट विथ पीपल ओवर द इंटरनेट. वेब कैमरा एक वीडियो कैप्चर डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है. ये पिक्चर्स को रिकॉर्ड करता है, वीडियो ऑडियो को रिकॉर्ड करता है. वेब कैमरा का यूज कम्युनिकेट करने के लिए, एक पीपल दूसरे पीपल से बात करने के लिए इंटरनेट पे यूज करते हैं. एंड दे कैन सी देयर फेस टू इच अदर. आप दूसरे एक दूसरे का फेस देख सकते हैं इंटरनेट पे वेब कैमरा के द्वारा, जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. नेक्स्ट डिवाइस इज स्कैनर. स्कैनर इज यूज्ड टू कनेक्ट ए हार्ड कॉपी इनटू डेटा that your computer can read. It work like a photocopy machine.
A computer scanner is used to connect a hard copy into a data that your computer can read. स्कैनर की मदद से आप हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा में चेंज कर सकते हैं, या आप हार्ड कॉपी डेटा को डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। आप अपने पिक्चर को, हैंड रिटन नोट्स को, सिग्नेचर को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर, स्कैनर की मदद से। नेक्स्ट डिवाइस इज सीडी एंड पेन ड्राइव। ए कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी इज ए साउंडेड, राउंडेड होना चाहिए आई थिंक, एंड शाइनी डिस्क। वी कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सीडी। सीडी फुल फॉर्म इज कॉम्पैक्ट डिस्क, इज ए राउंडेड एंड शाइनी डिस्क। वी कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सीडी। सीडी एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जिस जो राउंडेड डिस्क होता है, शाइनी चमकीला पदार्थ इस पे होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने सीडी में। जो सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी होता है 700 MB, 700 MB। नेक्स्ट डिवाइस इज पेन ड्राइव। ए पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज मीडिया ऑलमोस्ट लाइक अ सीडी। ए पेन ड्राइव कैन स्टोर अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन देन अ सीडी। पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज मीडिया है जिसमें आप डेटा, फाइल्स, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है कंपेयर टू सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, जहाँ सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी है 700 MB और पेन ड्राइव का कैपेसिटी है 4 GB, 8 GB, 16 GB अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हम पेन ड्राइव में डेटा और फाइल को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर केयर, कंप्यूटर को आपको ध्यान रखना। ए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क शुड बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम स्क्रैच। सीडी को आपको साफ सुथरा रखना है और इसमें स्क्रैच ना लगे, नहीं तो आपके डेटा के लॉस्ट होने की संभावना। नेक्स्ट लेट्स रिमाइंड द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? आपके कंप्यूटर का ब्रेन। अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा एंड स्कैनर्स आर कॉल्ड अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेज ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन अटैच टू आवर कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम लोग बाहर से अटैच करते हैं। नेक्स्ट सम क्वेश्चंस आर गिवन देयर, ऑल हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, टेक द करेक्ट, मैच द फॉलोइंग एंड हेयर राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन योर बुक और फेयर कॉपी। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट योर फेयर कॉपी ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ कंप्यूटर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी टॉपिक्स, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, देन यू कैन आस्क। थैंक यू।